जीएसटी काउंसिल के मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा सर। सर, कल काफ़ी बड़े मुद्दों पे फैसला हुआ, एक ऐसे मुद्दे पे फैसला हुआ जिसमें काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। लेकिन सर, एक कंसर्न जो ऑनलाइन गेमिंग कैसिनो में है कि टैक्स बढ़ने से उनका जो बाज़ार है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि सिर्फ टैक्स बढ़ने से बाज़ार में इम्पैक्ट आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि टैक्स रेट बढ़ने से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में इम्पैक्ट आएगा। देखिए, टैक्स रेट का कुछ इम्पैक्ट तो आता है, इसमें ये कहना तो मतलब इकोनॉमिक्स तो यही कहती है कि अगर चीज़ें जो हैं महंगी होंगी तो उसके ऊपर में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये इस प्रकार की चीज़ नहीं है जिसमें जो है इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो। तो ये क्योंकि ये आपके पास में जो एक एक्सेस आपके पास में पैसा है वो आप वही इसमें लगाते हो, तो इसमें ऐसा, और वो जो उस तरह के लोगों की संख्या काफ़ी है भारत में, तो ये इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं आना चाहिए। सर, लोगों का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ी नेसेंट स्टेज पे था, उस स्टेज पे सर 28% टैक्स वो भी फुल वैल्यू पे लगा देने से, जो एक मोदी जी का भी जो प्लान था ऑनलाइन गेमिंग का इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। नहीं देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह से देखिए कि अभी आज के दिन में तो वो बहुत ही कम टैक्स दे रहे थे, अभी तो वो GGR जो कि जो एक फेस वैल्यू जब आप 100 रुपये की अगर हम लेते हैं तो GGR उसका लगभग 10 या 15% बैठता है, उसके ऊपर में 18% मतलब 2-3% का ही टैक्स दे रहे थे, तो वो तो बहुत ही कम टैक्स दे रहे थे। और हमारा हर समय से ये मानना रहा है टैक्स अथॉरिटीज़ का कि ये 28% फेस वैल्यू के ऊपर में है, तो उसी के अनुरूप ये एक निर्णय जो लिया गया है, इसमें कोई नया निर्णय नहीं है। निर्णय नया इतना ही है कि हम हमारा जो अधिनियम है GST का अधिनियम, उसमें हम संशोधन करेंगे ताकि यदि इसमें कोई भी संशय है कि टैक्स रेट कितनी होनी चाहिए, वो संशय समाप्त हो जाए। संशय इस प्रकार से बढ़ा है क्योंकि कुछ जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ हैं वो कोर्ट में गई हैं और कोर्ट ने अपना मत इस प्रकार से कह करके कि ये एक्शनेबल क्लेम है जो कि स्किल आधारित गेमों के ऊपर में है, जिसकी वजह से ये एक्शनेबल क्लेम होते हुए भी बेटिंग गैम्बलिंग इत्यादि नहीं है, और इसलिए इसके ऊपर में 28% की रेट नहीं लगती है, उस वजह से ये उत्पन्न हुआ है। तो उस संशय को हम समाप्त करने के लिए निर्णय लिया है कि हम संशोधन करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई विवाद न रहे। सर, संशोधन कब तक हो पाएगा? और दूसरा सर, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर को आप कब तक चैलेंज कर पाएंगे? क्या जो चैलेंज होगा वो संशोधन से पहले आप कोर्ट को एक इंटीमेट कर देंगे कि हाँ हमारे एक क्लैरिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि 28% और एक बड़ा अमाउंट गेम्स क्राफ्ट के टैक्स में था जो एक वसूली CBIC कर सकता है। नहीं, दो चीज़ें, एक तो ये कि हम जल्दी से जल्दी इसमें SLP करेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हमें SLP करनी है, वो हम करेंगे उसी प्रकार से जल्दी, और हमारा ये प्रयास रहेगा आने वाले मानसून सत्र में ही हम जो संशोधन हमें GST अधिनियम में करना है वो हम करें, और फिर साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं उनको भी बोलें, क्योंकि स्टेट के GST एक्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको भी अपना संशोधन करना पड़ेगा, तो उनको भी हम ये संशोधन के लिए बिल का प्रारूप बना करके उनको हम देंगे। GST काउंसिल ने भी इसी प्रकार से निर्णय लिया है, और ये जो फिटमेंट जो लॉ कमेटी है उसके ऊपर में ये छोड़ा है कि अफसरों की एक कमेटी वो फिटमेंट कमेटी उसको देखेगी कि किस प्रकार से ये नियम जो है हमें बनाना है और अधिनियम हमारे को संशोधन करना है, और वो संशोधन इसीलिए उनके ऊपर में छोड़ा है ताकि ये जल्दी से जल्दी हम कर सकें, अन्यथा अदरवाइज काउंसिल में अगर जाते वापस से तो फिर उसमें समय लगता है। सर, एक क्लैरिटी आपसे कैसिनो के मामले में चाहिए। यदि कैसिनो की चिप्स, आपने कहा कि फुल पहले GGR पे लगता था, अब जितने की चिप्स आप खरीदेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यदि मैं चिप खरीदता हूँ, मान लीजिए मैं 100 रुपीज़ की चिप खरीदता हूँ, 50 रुपीज़ का यूज़ करता हूँ, 50 रुपीज़ वापस कर देता हूँ, तो उस केस में कैसे आप टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे? एक ये बड़ा संशय लोगों के मन ये में। जो डिटेल है देखिए ये नियमों में आएगी, ये एक आपका जो संशय है इसको दो तरीके से किया जा सकता है।
टैक्स जब 100 रुपये की वो एंट्री के ऊपर में 100 रुपये की चिप्स खरीदता है तो 100 रुपये के ऊपर में वो टैक्स 28% पे कर देगा। देगा। अब वो 500 रुपये के अगर वापस करता है, 50 रुपये के अगर वो वापस करता है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उसके ऊपर में उसको GST जो है वो रिफंड हो जानी चाहिए। तो अब क्या अगर 100 के बदले वो जीत के आता है 200 रुपये, तो 200 रुपये के ऊपर पे तो रिफंड हो नहीं सकती, दिए तो उसने 100 ही थे। तो अंतिम निर्णय इसमें लिया जाना है, लेकिन विचार यही है कि केवल जो एंट्री है एंट्री के ऊपर में वो टैक्स देगा, वापस जब वो बाहर निकलेगा जो भी रिटर्न करता है उसके ऊपर में उसको टैक्स वापस नहीं दिया जाएगा। तो 100 रुपये के ऊपर में तो टैक्स लग जाएगा, वापस जब 50 देगा तो उसके ऊपर में उसको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अंतिम निर्णय इसके ऊपर में ये नियमों में, ये क्लैरिटी नियमों में आएगी। सर, जो इंटरनेशनल या ऑफशोर कंपनीज हैं जो देश के अंदर काम कर रही हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, क्या उनको एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इंडिया में कराना पड़ेगा, या जो वो लोग कामकाज कर रहे हैं उनको कैसे टैप करेगी सरकार, उसके लिए क्या रोबो सिस्टम, क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस क्या हो पाएगा? नहीं, आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज को निपटने के लिए हम लोग जो भी हमारे पास में साधन है, जैसे कि पेमेंट का एक हमारे पास में साधन है उसको हम उपयोग में लेंगे, या जैसे आपने कहा कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उनका हम यहाँ पे करवाएं, वो हम कर सकते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करने के ऊपर में हम उनको MIT के माध्यम से उनको हम बैन कर सकते हैं। तो हमारे पास में कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंज है, लेकिन इसके ऊपर में समाधान भी इसके हमारे पास में है। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम टैक्स ज़्यादा लगा देंगे तो वो टैक्स से बचने के लिए वो बाहर जा कर के अपने सर्वर्स लगा देंगे और उससे टैक्स से बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। सर, DGGI ने पिछले कुछ सालों में क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म पे केसेस बनाए थे और उस पे GST काउंसिल पे एक डिस्कशन होना था। सर, GST काउंसिल का क्या मत है क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म में, कैसे वो काम करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि फार्मा कंपनीज पे, FMCG कंपनीज पे ये केसेस DGGI की तरफ से किए गए थे, तो उस पे क्या क्लैरिटी? ये काफ़ी, ये आपने एक अहम मुद्दा जो है इस बार, ये भी काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था इंडस्ट्री की, काफ़ी समय से इसके ऊपर में मांग थी कि इसके ऊपर में हम कुछ स्पष्टीकरण दें, और उसको अब GOM ने कल स्पष्ट किया है। मूलभूत रूप से जो ISD मैकेनिज्म है, जब वो गुड्स सर्विसेज खरीदते हैं, अगर बाहर से खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो वर्तमान में उनको छूट दी गई है कि वो ISD मैकेनिज्म अपनाएं या क्रॉस सर्विस चार्ज मैकेनिज्म अपनाएं। आगे जाने में प्रोस्पेक्टिवली हम ये अमेंडमेंट करेंगे कि वो केवल ISD मैकेनिज्म ही यूज़ कर सकें, जो कि एक फॉर्मूला पे आधारित होगा। दूसरा, जो इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज हैं जिसको उन्होंने बाहर से नहीं खरीदा है सर्विसेज, उसमें अंदर भी दो श्रेणियां हैं, उसमें भी हमने उनको बहुत रियायत दी है। तो वो भी एक क्लैरिटी हुई है जिससे बिजनेस को सहायता मिलनी चाहिए। मूलतः जो सैलरी के रूप में जो सर्विसेज जा रही हैं, जिसको केवल सैलरी जिसके ऊपर में चार्ज हो रही है, जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा हमें दी जा रही हैं, उसके ऊपर में न कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो ISD हो चाहे वो क्रॉस सर्विस, मतलब क्रॉस सर्विस चार्ज ही लगता है उस पर, तो वो क्रॉस सर्विस चार्ज उनके ऊपर में नहीं लगेगा। सर, GST काउंसिल या ये कहें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट सभी मुद्दे जो GST के थे वो पूरे कर दिए हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है वो रेशनलाइजेशन का है। कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सर जो कर्नाटका के CM थे उनको हटा के किसी और को चेयरमैन बनाना है, एक ये कब तक हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूट कब तक हो जाएगी नई कमेटी, और दूसरा कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि GOM की रिपोर्ट आएगी और एक राहत जो है वो आम आदमी को मिल पाएगी GST के फ्रंट पे? नहीं, आपका ये सही है, जो GOM है उसमें बदलाव होना है और वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, उसकी जो संरचना है उसमें बदलाव के लिए वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है
और शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया जाएगा। उसके ऊपर में GOM विचार करेगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी और ये एक निरंतर कार्य है। रेट रैशनलाइजेशन का, जैसे जैसे डिमांड्स आती हैं कहाँ पे रेट बढ़ानी है कहाँ पे कम करनी है, वो ये कार्य अपना जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूट होता है प्रारंभ। सर एक सजेशन ये भी था कि अभी आप जितना ई इनवॉइस आप कितना भी इशू कर सकते हैं उस पर एक लिमिट की जाए, और एक डिस्कशन ये था कि GSTR 2B और GSTR 3B में जो डिफरेंसेस हैं उसको कहीं ना कहीं लिमिट किया जाए। सर उस पर क्या डिसीजन हुआ, क्या 20% और 25% 25 लाख का जो डिफरेंस है उस चीज़ को मान हाँ, लिया गया, बिल्कुल बिल्कुल। और उससे क्या इम्पैक्ट आएगा सर? देखो जो ये फ्रॉड हो रहा है, बोगस फर्म्स द्वारा फेक बिलिंग का जो फ्रॉड हो रहा है, वो बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो है उनको कुछ एक छूट दी है, क्योंकि वो पहले अभी जब हमने GST प्रारंभ किया तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम को बनाते हुए वो हमने उसमें कुछ ढील दी थी। अब काउंसिल ने पिछली काउंसिल की बैठक में और अब वापस से पहले केवल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए, अब इनपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए भी दोनों के लिए जो इनवॉइसेस जो GSTR 1 है उसमें और जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी GSTR 3B में है या इनपुट टैक्स लायबिलिटी जो GSTR 2B में है उनमें मिसमैच, जैसा आपने कहा 20% और 25 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो उसको एक्सप्लेन करना होगा। सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देने पे उसको वापस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है और धीरे धीरे ये लिमिट्स हम कम करें। क्योंकि हमने यही पाया जब ये ड्राइव हमने ऑल इंडिया लेवल पे जो ड्राइव किया गया इस बोगस बिलिंग, तो काफ़ी मात्रा में इस प्रकार के मिसमैचेस का जो अनस्क्रुपुलस फ्रॉडुलेंट बोगस जो फर्म्स थी उसका ये मिसयूटिलाइज कर रहे थे, तो उसको हम इसलिए उसको गैप जो गैप है उस गैप को हम समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के ऊपर में भी काफ़ी निर्णय लिए गए, बैंक्स वेरीफाइड बैंक अकाउंट के बिना वो अपना GSTR 1 जिससे वो क्रेडिट आगे पास ऑन होता है वो नहीं पास कर पाएगा, वो एक निर्णय लिया गया। बायोमेट्रिक आधारित रजिस्ट्रेशन जो हमने गुजरात में हम पायलट करना चाहते हैं उसको पुडुचेरी में और अन्य प्रदेशों में उसको विस्तार किया जाना, उसके ऊपर में भी निर्णय लिया गया और इसी प्रकार से और एक दो निर्णय लिए गए। तो काउंसिल ये बिल्कुल इसके ऊपर में गंभीर है कि किस प्रकार से हम सभी प्रकार से हम फेक बिलिंग को हम कंट्रोल करें। सर एक बड़ा मुद्दा है सर GST ट्रिब्यूनल का। सर कल आपने बताया कि 4 से 5 महीने अभी और लगेंगे इसको GST टर्मिनल को इम्प्लीमेंट या कहेंगे शुरू करने में। सर कोई मिडवे अरेंजमेंट आप करने की तैयारी कर रहे हैं, किसी को आप ऑथराइज कर सकें जो केसेस सुन सके, क्योंकि जो पेंडेंसी है सर केसेस की वो काफ़ी बढ़ती जा रही है और आफ्टर बॉम्बे हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है कि 3 महीने में आपको अप्रोच करना है, उससे सर और एक कंसर्न जो है वो लोगों का बढ़ गया है। नहीं, ये कंसर्न जायज़ है लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको क्रियान्वित करेंगे, इनको लागू करेंगे, संगठित करेंगे। उसके लिए जैसे कि बताया नियम जो हैं अब 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे, उसके बाद में हम एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। जब तक हम भर्ती नहीं करते हैं, हम किसी अन्य, क्योंकि जो कानून में जो प्रावधान है उसके विपरीत हम किसी अन्य को इसमें ऑथराइज नहीं कर सकते हैं कि वो ट्राइब्यूनल का कार्य करे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ट्राइब्यूनल को शीघ्र अतिशीघ्र क्रियान्वित करें ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से जल्दी प्रारंभ हो सके। सर लास्ट क्वेश्चन कि सर जो टारगेट्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के, लास्ट ईयर आप सर डायरेक्ट टैक्स में ऑलमोस्ट 100% से ऊपर आपका रहा, इनडायरेक्ट टैक्स में भी ऑलमोस्ट आप पूरा टारगेट हुआ, तो सर इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि सर जो बाकी कलेक्शन है वो तो हो रहा है लेकिन कस्टम ड्यूटी में कहीं ना कहीं प्रेशर है, तो उस प्रेशर को कैसे मिटिगेट करने की कोशिश होगी बाकी टैक्सेस कलेक्शन से? नहीं, कुल मिला के देखिए इकॉनमी अच्छा कर रही है, अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है, टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी के ऊपर में भी हमने चाहे डायरेक्ट टैक्सेस में हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो
जैसे कि ये एक ड्राइव हमने अभी आयोजित की अगेंस्ट बोगस बिलिंग, उससे भी काफ़ी हमारे को अच्छे परिणाम हासिल हुए हैं। तो टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी हमारी बढ़नी चाहिए और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि हम जो भी राजस्व का लक्ष्य हमें दिया गया है इस वर्ष का, पूर्व वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी हम उसको प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग जी बिजनेस सर।